जा रहा है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि पलवल में भी अब एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पलवल में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। सबसे पहले अपडेट आपको हम टोटल न्यूज पर दे रहे हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। होली के बाद दुबई से आया था ये व्यक्ति और ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब सोचिए किस तरह से चेन बनती है। इस व्यक्ति के संपर्क में जो आया होगा और जो इस व्यक्ति के संपर्क में आया है वो कहां कहां गया होगा, किन किन लोगों के संपर्क में आया होगा, इसी तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में लॉकडाउन कर दिया गया है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गुलशन, पलवल में कोरोना पॉजिटिव मामला और गुरुग्राम में लॉकडाउन, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है और इसी लिए जो है सरकार ने फैसला लिया था कि गुरुग्राम, हरियाणा के 7 जिलों को जो है लॉकडाउन किया गया था। मैं इस समय गुरुग्राम के दिल्ली बॉर्डर पर हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ना, ये तमाम जो लोग हैं, हालांकि लॉकडाउन है फिर भी ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और पुलिस को बड़ी ही मुस्तैद हाथ जोड़ करके इन लोगों को जो है बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन नहीं जाने। हमारे साथ पुलिस कर्मी है। पहले सर, कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है आपको? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। पब्लिक सहयोग नहीं दे रही, पब्लिक का जो सहयोग देना चाहिए वो सहयोग नहीं दे रही है। इसमें पुलिस को बड़ी कठिनाइयां मिल रही हैं। देख रहे हैं हम कितना लंबा जाम लग गया है हाईवे पर, तो ऐसा क्यों, मतलब क्या लोग लॉकडाउन को या क्या कह रहे हैं आप? जब तक पब्लिक हमारे साथ सही, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इतनी पब्लिक है, पुलिस के चंद आदमी है, कहाँ तक कंट्रोल करेंगे? ये तो सभी लोगों को समझना पड़ेगा, सभी लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। लेकिन जब दिल्ली तो लॉकडाउन कर दिया है, फिर ये कहाँ जा रहे हैं लोग? ये भाई क्या बता सकते हैं, हमारी ड्यूटी है इनको अंदर ना जाने देना, और फिर भी हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आप देख भी रहे हो कौन लोग हैं ये, कौन लोग ये भाई जाने वाले हैं, जो कोई तो कह रहे हैं हम भाई हॉस्टल में जा रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, ऐसे ही कोई कुछ बहाना बना रहा है, कोई कुछ बहाना बना रहा है। मतलब मान नहीं रहे कोई भी आप? हाँ देख लो, आप भी तो खुद देख रहे हो। देखिए बिल्कुल, ये लोग जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बिल्कुल हम तस्वीरों में देख रहे हैं गुलशन। लेकिन गुलशन हमें समझना होगा कि आखिरकार लोग लॉकडाउन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए हम देख रहे हैं एक पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए आप वापस चले जाइए। अब स्थिति जब ये आ गई है कि पुलिसकर्मी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, सख्ती भी दिखा रहे हैं, बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि स्थिति क्यों आ गई है। क्या कुछ निजी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रही है, इसी वजह से मजबूर है ये कर्मचारी घर से बाहर निकलने के लिए? देखिए बिल्कुल, ये मैं इन्हीं लोगों से जानता हूँ, क्योंकि आज ये तमाम जो लोग हैं ये घरों से निकल रहे हैं। आखिर वजह क्या है? लॉकडाउन है। आप लॉकडाउन है तो कहाँ जा रहे हैं आपकी? सर मेरे पास मेडिसिन है, क्या नाम, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की, और क्या नाम, इमरजेंसी मेडिसिन कैंसर के लिए, ये फाइल है वहाँ की हॉस्पिटल की, देख सकते हो आप। ये तमाम वो लोग हैं जो इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहद जो है खराब होती जा रही है गुरुग्राम के नेशनल हाईवे पर। बिल्कुल, देखिए जो इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी है उसे समझते हैं, उसे सरकार भी समझती है, लेकिन जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया है एहतियातन आपके लिए लिया गया है, जितना ज्यादा हो सके घर पर ही रहे। ये गलती इटली ने की थी, एक से दूसरे में फैल गया ये वायरस और अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप ये गलती ना करें। पानीपत की तरफ रुक कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। पानीपत में भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। देवेंद्र, एक लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां हमेशा चहल पहल रहती है, उद्योगपतियों का जो गढ़ है, वहां पर सब कुछ सन्नाटा पसरा हुआ है, लॉकडाउन है, किस तरह के हालात आप देख रहे हैं? देखिए रंजना, कल जो जनता कर्फ्यू था कल ठीक था। कर्फ्यू में ऐसा लग रहा था जो आह्वान और अपील देश के लिए की गई थी उसका असर नजर आया था, लेकिन आज अगले दिन जैसे ही सोमवार हुआ, आज हफ्ता का नया पहला दिन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मूवमेंट लोगों की है। जितने लोग रूटीन के दिनों में इस वक्त होते हैं, 15% लोग मेरे को लगता है घरों से बाहर निकलने तैयार होकर। इनमें बहुत सारे वो हैं जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, क्योंकि पानीपत इंडस्ट्रियल सिटी है, 20,000 छोटी बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्रियों ने अपने अपने ऑर्डर लिए होते हैं, उनको ऑर्डर टाइम पे पूरा करने होते हैं, तो उनको ये डर होता है कि अगर लेट हो गया तो ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब से जुड़े जो लोग हैं वो मेरे को लगता है दाएं बाएं से कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अपने फैक्ट्री में अपने लॉकडाउन को लोग मान नहीं है, लेकिन काम उनके होल्ड पर रह जाए, काम अटक जाए, शायद
बहुत ही कोई मजबूरी होगी या जिनकी आदत है काम करने की, घर में नहीं रुक सकते। लॉकडाउन को मान रहे हैं, ये जो एक आफत आई है उसको मान रहे हैं, हिदायत जो है उस पर भी अमल कर रहे हैं, लेकिन घरों में नहीं रह सकते। अपने अपने अलग अलग वजहों से लोग कामों पे आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ खड़े हैं, सेहत और जान सबसे जरूरी है, लॉकडाउन है, आप घर से बाहर क्यों निकले? मेरा कुछ सामान रह गया है पानीपत में, वो लेने के लिए आया हूँ। कहाँ से आए आप? करनाल से। तो आप सामान लेके वापस जाएंगे? देखते हैं सर, जाना ही पड़ेगा वैसे रहा तो। आपको साधन मिले आने जाने के लिए? लोकल टैक्सी मिली, बस और तो कुछ नहीं मिला। देखिए जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, वैन है, मैक्सी कैब है, जो प्राइवेट ऑटोज हैं, वो जरूर सड़कों पर आज चल रहे हैं। वो उन लोगों के लिए जिनको घर से आज बाहर निकलना था, कहीं आना जाना पहुंचना है, थोड़ी सी मूवमेंट में ये देख रहा हूं कि बाकी दिनों के मुकाबले 15-20% तक मूवमेंट आज है। लोग लॉकडाउन को माने, इस बीमारी से बचना है, दूसरों को बचाना है, ये जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं, लेकिन अपने अपने काम भी निपटाने की सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अब ये 10 दिन का लॉकडाउन, कल 22 तारीख थी, 31 मार्च तक लॉकडाउन, 10 दिन लोगों को घरों में रहना होगा। हिदायत लोग बरत रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ काम भी निपटाना चाहते हैं। शायद काम करते रहना हम इंडियंस की, हम लोगों की आदत है। रंजना, बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र हमें ये बात समझनी होगी, ये लॉकडाउन की स्थिति पैदा क्यों हुई है? ये हमारे एहतियात के लिए पैदा हुई है। लॉकडाउन अगर लागू किया गया है तो इसलिए लागू किया गया है कि लोग किसी दूसरे के संपर्क में ना आए, लेकिन अगर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन को फेल करेगा। ऐसे में क्या कहीं जागरूकता अभियान में कमी रह गई है? समझा ठीक से पब्लिक को नहीं पा रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों जरूरी है, क्यों कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, क्या लूप होल आप देख रहे हैं? तो हम लोग काफी गंभीर है, सीरियस है, संवेदनशील है कि हम खुद बीमार नहीं होंगे, क्योंकि हम बीमार हुए तो परिवार पूरा परेशान होता है और इसका खतरा दूसरों को भी होता है। लोग ये चीज समझ रहे हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि शायद अलग अलग तरह की लोगों की मजबूरियां हो सकती है। कुछ लोग आदत से मजबूर है, कुछ लोगों की वाकई जेन्युइन मजबूरी है कि उनको घर से जाके काम निपटाना है, किसी कोई बीमार है, किसी को परिवार में, किसी को बेटी के घर जाना है, किसी को फैक्ट्री में, उस वजह से लोग बाहर निकले। लेकिन अगर इस तरीके से हमने ढील दी तो ये खतरा भी हो सकता है। कोशिश सरकार यही करिए, स्वास्थ्य विभाग के, भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, सबसे पहली प्राथमिकता ही है। लेकिन अगर लोग इस तरीके से जैसे सड़कों में निकल रहे हैं, ये पानीपत का नेशनल हाईवे है, ये सोनीपत भी जाता है, रोहतक की तरफ भी जाता है, जींद भी जाता है, अगर लोग घरों से निकल रहे हैं तो खतरा मेरे को लगता है बरकरार रहेगा। अगर ज्यादा चूक हुई या ज्यादा लापरवाही बरती गई तो घातक हो सकता है। रंजना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के